हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं सीए मोहित तापड़िया। सर, आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंट्स पास करने की सबसे इम्पोर्टेंट की, मतलब एक तरीके से ये अकाउंट्स पास करने की जड़ी बूटी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्हें अकाउंट्स में डर लग रहा है, जिन्हें लग रहा है कि अकाउंट्स में पास होना बहुत डिफिकल्ट है, उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो लास्ट तक इस वीडियो को देखना, मैं आपको 100% अकाउंट्स पास होने का जरिया सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, राइट। और जो बच्चे 90-95% लाना चाहते हैं, सर आप टेंशन मत लीजिए, आपको वैसे भी सब कुछ आता है, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। बट बाकी बच्चे प्लीज यहाँ पे फोकस करना, मैं आज आपको बताने वाला हूँ अकाउंट्स कैसे पास कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अकाउंट्स में, जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियो। नोट ऑफ द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर ऑफ अकाउंट्स, आगे पढ़ाई के लिए। बट अगर हम बात करें ट्वेल्थ की, तो ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क का आता है, राइट। अब 3 मार्क के लिए करीबन करीबन 200 से 250 इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज करना, इट्स नॉट वर्थ फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू पास अकाउंट्स, राइट। सो सर, आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको वैसे भी बहुत इजीली मार्क्स लाने हैं, राइट। आपको 3 मार्क के लिए 200-250 सम्स नहीं करना है, कोई बात नहीं। या तो आप ये चैप्टर पूरा छोड़ दो, या फिर इसका सिर्फ पहला वाला टॉपिक कर लो, दैट इज करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो जो वाला होता है। बस वो दो फॉर्मूला आप याद कर लो, करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो क्या है। 90% चांसेस है कि वही एग्जाम में आएंगे, और बाकी नहीं आए तो 3 मार्क के लिए इतनी मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप ये चैप्टर को ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आपको करना है, देन सिर्फ करंट रेशियो कर लो और लिक्विड रेशियो कर लो, ये दो रेशियोज आप लोग कर लो। इसके भी 33 इलस्ट्रेशन है टीएस ग्रेवाल में, बट खाली फॉर्मूले याद करके 2-5 सम्स कर लो, आपके लिए चैप्टर मोर देन इनफ है। 3 मार्क के लिए इससे ज्यादा मेहनत आप ना करेंगे तो चलेगा, बाकी चैप्टर्स में ज्यादा एफर्ट्स दें। नेक्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज कैश फ्लो। अब कैश फ्लो में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है सर, ऑनेस्टली टीएस ग्रेवाल में कैश फ्लो के सम्स बहुत सुपर्ब है, राइट। अब इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, एग्जाम में कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, राइट, जिसमें मैक्सिमम 2 से लेकर 3 एडजस्टमेंट्स आएंगे, उससे ज्यादा एडजस्टमेंट्स आने वाले नहीं है। 2 से लेकर 3 एडजस्टमेंट्स मतलब हम चाहें तो टीएस के इलस्ट्रेशंस नंबर 55 पे आके रुक जाए तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद में बड़े बड़े सम्स आते हैं कैश फ्लो के, जो मोस्टली आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। सो मैं आपको दूसरा ये भी बता सकता हूँ, भैया जिनको पास होना है कैश फ्लो में 55 तक करके रुक जाओ, आगे नहीं करोगे चलेगा। 99% प्रोबेबिलिटी कि आप कैश फ्लो अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि 55 के पहले के ही क्वेश्चंस कैश फ्लो में एग्जाम में आएंगे। ये मेरे एनालिसिस है, मैंने सब सैंपल पेपर्स देख के आपको बता रहा हूँ, इसलिए 2-3 एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाले हैं, ज्यादा मेहनत इस चैप्टर में भी ना करें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आता है अकाउंटिंग एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, और ये चैप्टर 2 घंटे का है, सिर्फ 2 आवर्स। अगर आप ऑनेस्टली करने बैठो तो इसमें सिर्फ 2 टॉपिक आपको करने हैं, पहला करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और दूसरा करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगर आपने सच में ये 2 कर लिए, मतलब आपके 4 से 6 मार्क तो कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड। इसलिए ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी फॉर दो स्टूडेंट्स हु नीड टू पास एग्जाम्स, आपके लिए ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 4 से 6 मार्क बोर्ड आपको फ्री में देने वाला है, इसमें खाली फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मेट रट लिया, आपके इस चैप्टर के मार्क्स कहीं भी नहीं जा सकते, इट्स ए वेरी वेरी इजी चैप्टर। इसलिए ये चैप्टर को किसी भी हालत में मत छोड़ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करते हैं इसके बाद में क्या करना है। सर इसके बाद में सिंपल सी बात है, एक चैप्टर है एनपीओ, राइट। नो डाउट ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, बट मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो बना रखा, आप देखिएगा, उसमें मैंने 10 मिनट में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर ऑनेस्टली आपने इस चैप्टर का वो वीडियो देख लिया, मैं गारंटी से बोलता हूं आप सारे इलस्ट्रेशंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको यहां पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना आ गया तो आपके लिए पूरा चैप्टर इजी हो जाता है। बाकी तो बेसिक पीएनएल अकाउंट है, जिसे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और बैलेंस शीट है, कुछ नया नहीं है। सो आप इस चैप्टर को पूरा करना, 6 से 8 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। 20 मार्क के तो आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेते हो। यहाँ पे मैं खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बाकी के 60 मार्क्स की। 60 में से मैंने आपको बता दिया कि ऊपर के 2 चैप्टर में आप 10 से 15 मार्क इजीली कवर कर लोगे, बाकी बचे कुछ 6 से 8 मार्क आप इसमें कवर कर लोगे, मतलब अभी तक आप 20 मार्क आराम से 60 मार्क में से ले चुके हो।
अब रही बात सबसे बड़े टॉपिक की, सबसे बड़ा टॉपिक जो 12 सीबीएसई के अंदर है, एंड दैट इज पार्टनरशिप। सर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेकंड से स्टार्ट होता है और सिक्स तक जाता रहता है। ये चैप्टर्स पूरे के पूरे कनेक्टेड है, मतलब अगर आपका सेकंड थर्ड फोर्थ वीक होगा तो सर आपको फिफ्थ सिक्स में भी जोर आएगा। बट वापस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको नहीं पता हो, आपके इस चैप्टर के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो इस साल के एग्जाम में ओमिट है। आपको इस साल के एग्जाम में ये टॉपिक नहीं पूछेंगे और ये टॉपिक के कारण करीबन करीबन आपका एडमिशन, आपका रिटायरमेंट 50% हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बट आपके इस साल के सिलेबस में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। तो पार्टनरशिप में ये टॉपिक पूरा का पूरा हटा सकते हो। अब इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट टॉपिक होता है इस पार्टनरशिप के अंदर, दैट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है। इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम्स इन लोगों ने आपको जर्नल एंट्रीज पूछी है, राइट? तो अगर आप जर्नल एंट्रीज कर लोगे, मतलब आपके इस चैप्टर के 4 to 6 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम जर्नल एंट्रीज ही पूछने इसमें से, सो आप इसकी जर्नल एंट्रीज को मिस मत करना। मतलब एक तरीके से चैप्टर की इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 12, मैं टीएस ग्रेवाल की बात कर रहा हूँ, राइट? इलस्ट्रेशन 1 से लेके 12 आप कर लो इसके अंदर, तो आपके इस चैप्टर की भी 90% प्रोबेबिलिटी की आपके इस चैप्टर में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। अब एक छोटा सा चैप्टर और है जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट? सर ये चैप्टर में से कंफर्म्ड एक क्वेश्चन आता 3 से 4 मार्क्स। इसमें 4 मेथड्स है, बहुत इजी मेथड्स है, सो मैं चाहूंगा आप इस चैप्टर को भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस दे दें, राइट? सो अगर पार्टनरशिप की बात हो तो सबसे पहले आप डिसोल्यूशन करिए, इंडिपेंडेंट चैप्टर है, कोई टेंशन नहीं है, पहले के चैप्टर्स नहीं आते हो तो भी, और फिर आप करिए गुडविल वैल्यूएशन, ये भी इंडिपेंडेंट चैप्टर है। फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी के पार्टनरशिप के चैप्टर्स भी कर सकते हैं। सर आई नो इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, बट एटलीस्ट इलस्ट्रेशंस करने की कोशिश कीजिए टीएस ग्रेवाल की, राइट? मैं आपको आगे वाले वीडियो में कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाने की भी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगे के वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे सम्स में यहीं पे बताता रहूं, राइट? सो आप सिर्फ फोकस करिए कि आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको अकाउंट्स में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ट्रस्ट मी, आपको कोई भी रोक सकता नहीं है, ठीक है? बताइएगा मुझे आपको कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट कीजिएगा, और आपको और भी कुछ परेशानी हो अकाउंट्स में तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं 100% मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए भी कुछ ना कुछ इलाज आपके लिए लेके जरूर आऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाय बाय फॉर द डे, थैंक यू।